Hey guys, welcome back to my channel Detox Life with Ayushi. आज 9th May है और आपको पता ही होगा 9th May को इतना special क्या होता है, पता है ना? Today is Mother's Day. तो on this very very special day, I would like to share my feelings with not only my mother but also my motherly figures in my life and with all of you, so you also get some ideas और आप भी अपनी अपनी mothers को special feel करा सको. तो आई स्टार्टेड पेनिंग डाउन माई थॉट्स एंड आई थॉट कि यू नो मैं कुछ अपने खुराफाती दिमाग से कुछ अच्छा लिखूं, बट देन आई हर्ड अ फ्यू लाइन समवेयर एंड आई जस्ट फेल्ट कि वो इतने अच्छे से मेरी फीलिंग्स को सम अप करते हैं ना कि मतलब आई कुड नथिंग दैट आई कैन राइट विल जस्टिफाई. सो आई वुड शेयर दोज लाइन्स विद यू. सो इट गोज लाइक दिस. मैं मानती हूँ कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, पर मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता. मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है. बस मेरी माँ ही है जो मुझसे ज्यादा मेरे दुख में रो सकती है. मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली. पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था. वो मुझ पर तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर एक लकीर बनकर दिखा था. माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू बस उसी को आता है. उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है. हिसाब लगाकर देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा. एक माँ का ही प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा. ऐसी होती है माँ, और आप लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि दुनिया की सारी मॉम्स इतनी स्पेशल होती हैं, राइट? मतलब आई कैन नॉट से कि मेरी ही मॉम इतनी अच्छी है. आई एम श्योर सबकी मॉम्स इतनी स्पेशल हैं और सबकी मॉम्स इतना कुछ करती हैं अपने अपने बच्चों के लिए. इन माई लाइफ आई एम सो सो ब्लेस्ड. आई हैव 5 मॉम ऑब्लिक मदरली फिगर्स. तो आई वॉन्ट टू शेयर हु दोज आर इन माई लाइफ. तो सबसे पहले मेरी नानी जी, वो उनसे मैं मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन उनसे मैं जब भी बात करती हूँ ना, तो इवन लाइक वो 2 मिनट की बात ना, ऐसा लगता है कि एक ठंडक सी मिल जाती है, एक बड़े का हाथ फील होता है. फिर मेरी दादी, आज वो हमारे साथ है नहीं, लेकिन पता है अभी भी सपने में वो मेरे इतने रेगुलरली आती हैं और हम इतनी सारी बातें करते हैं ना कि कई बार मुझे लगता भी नहीं है कि यू नो वी डोंट हैव दैट कनेक्ट एनी मोर. She is still my best friend and I still share almost everything with her in my dreams. I know it sounds crazy, but हाँ, मैं थोड़ी पागल हूँ, आपको पता ही है. Then अनुराग की नानी, मेरी नानी सास, वो भी हमारे साथ नहीं है, और उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया है. मतलब हमारी शादी को 6 साल ही हुए हैं, लेकिन हम जब भी इंडिया जाते थे उनसे ज़रूर ज़रूर मिलते थे. That was like the most important thing in the task to do, right? और वो ऐसा होता था कि वो वेट कर रही होती थी कि बच्चे कब आएंगे, कब मिलेंगे, और वो इतना लाड़ करती थी कि दोज आर रियली फॉन्ड मेमोरीज. माय मॉम, मेरी माँ, मम्मी, पता नहीं मैं कितने नामों से उनको बुलाती हूँ और वो कितने नामों से मुझे बुलाती हैं. लाड़ो, गुड़िया, गुड्डा और पता नहीं क्या क्या. मतलब उनके लिए तो मैं आज भी ऐसा लगता है कई बार बड़ी ही नहीं हुई. और मैंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया है, आई थिंक द मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट गोज टू हर. क्योंकि मैं मुझे अभी भी याद है, मैं छोटी थी ना, तो मम्मी ने बोला था कि बेटा हाउसवाइफ नहीं बनना, हैव अ आइडेंटिटी फॉर योरसेल्फ, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, और किसी पे पैसे के लिए मोहताज नहीं होना. एंड समहाउ दैट थिंग स्टक विद मी एंड दैट वॉज माई ड्राइविंग फैक्टर एंड दैट इज द रीजन दैट वेयर आई एम टूडे. तो मम्मी ने हमेशा पुश किया है, आज भी पुश करती हैं, बट देन इट हेल्प्स मी. एंड लास्टली मेरी मदर इन लॉ, मम्मी जी, कहते हैं ना किसी किसी के दोनों हाथ घी में या दोनों हाथों में लड्डू होता है, तो मेरी हालत कुछ वैसी वाली है. तो मेरी मदर इन लॉ इतनी ज़्यादा केयरिंग हैं और इतनी ज़्यादा स्वीट हैं कि आई कॉन्ट टेल यू. एंड आई एम नॉट शेयरिंग दिस ओनली फॉर द सेक ऑफ सेइंग इन द वीडियो, बट रियली वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं.
तो अभी जैसे उनको ऑफ लेट उनकी तबीयत वगैरह खराब थी एंड वी कॉल्ड देम एंड वी वर आस्किंग देम कि आपकी तबीयत कैसी है. वो बोली मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग ठीक हो, हमें तो कुछ हुआ भी नहीं था, बट शी इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट कि बच्चे कैसे हैं, हम कैसे हैं, एंड मोर देन एनी थिंग उनको हमारी खुशी, हमारी सेहत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो हुए ना मेरे दोनों हाथ लड्डू में, सिर कढ़ाई में और पता नहीं कहाँ कहाँ, राइट. तो आप समझे कि अब जो मैं इतनी चहकती रहती हूँ, हमेशा इतनी खुश रहती हूँ, मेरे पीछे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है दैट ड्राइव्स मी एंड दैट ड्राइव्स माय क्रेजीनेस. तो आप लोग भी जाओ, अपनी अपनी मॉम्स को स्पेशल फील कराओ, फिजिकली वर्चुअली जो भी कर सकते हैं. आई नो कि हम अभी बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकली नहीं मिल सकते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ. मुझे मम्मी से फिजिकली मिले हुए आई थिंक 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन वर्चुअली भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो प्लीज जाके कुछ भी करो, कुछ स्पेशल फील कराओ एंड मेक दिस डे वेरी वेरी स्पेशल फॉर देम. तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स हु आर ऑलरेडी अ मॉम, to everybody who is going to be a mom soon, and to everybody who is an aspiring mother. Happy Mother's Day! So till we meet again, take very good care of yourself, spread this video and subscribe to my channel, and sayonara!